नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में। और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। यूपी के बांदा में एक लड़की की जबरन शादी कराने का मामला सामने आया है, लेकिन जयमाल के समय दूल्हे को देख लड़की का सब्र टूट गया और उसने शादी करने से मना कर दिया। आखिरकार बारात को बिना दुल्हन के वापस लौटना पड़ा। लड़की का आरोप है कि उसकी मर्जी के बिना ये शादी कराई जा रही थी। मामला यूपी के बांदा जिले के फूटा कुआं थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाले जितेंद्र की शादी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की रहने वाली ज्योति के साथ होनी थी। शादी के सभी कार्यक्रम बांदा में होने थे, इसलिए लड़की पक्ष के लोग शहर आ गए थे। लगभग सभी कार्यक्रम हो चुके थे। जयमाल के लिए लड़की जैसे ही स्टेज पर चढ़ी, उसकी नज़र दूल्हे पर पड़ी। कुछ देर तो दूल्हे को देखती रह गई, फिर बिना जयमाल डाले स्टेज से वापस आ गई। ज्योति ने बताया, दूल्हा मेरे से दुगनी उम्र का था, इसलिए मैंने शादी करने से मना कर दिया। मुझे पहले लड़के की फोटो तक नहीं दिखाई गई थी। मेरी मर्जी के बगैर चाचा ने शादी तय कर दी थी। पहले मैं उनकी बात का विरोध नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं शादी के लिए मना कर दिया तो चाचा घर से निकाल न दे। मेरे माँ बाप नहीं है, चाचा ने ही मुझे पाला पोसा, लेकिन दूल्हे को देख मेरे सब्र का बांध टूट गया। मुझे अब समझ नहीं आ रहा, चाचा मेरे साथ क्या करेंगे। वही दूल्हे का कहना है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ज्योति ने ऐसा क्यों किया, पहले तो वो तैयार थी। लड़की के चाचा कैलाश का कहना है, लड़की के शादी से मना करने का कारण मुझे नहीं पता, दूल्हे के परिजन भी इससे सकते में हैं, उसे समझाया जा रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी। बता दें, ज्योति के पिता महेंद्र सोनी की 3 साल पहले मौत हो चुकी है, मां की भी मौत हो चुकी है। ज्योति ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है। पिता की मौत के बाद वह अपनी छोटी बहन पूजा के साथ चाचा कैलाश के साथ दिल्ली रहने चली गई। दिल्ली में कैलाश प्राइवेट नौकरी करता है।